मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। आज मैं आपको टैली में जीएसटी की एंट्रीज को एक्सेल से कैसे कन्वर्ट करें वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये डाटा है, इसमें देखिए डेट है जिसको हम सेल कर रहे हैं, ये आज मैं सेल एंट्री करके दिखाऊंगा। जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम है, उसका अमाउंट है, सेल अकाउंट उसका अमाउंट, और जीएसटी में आप इन स्टेट अगर सेल कर रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और ये हमारा एक्सएमएल कन्वर्टर यूटिलिटी है जो एक्सेल को एक्सएमएल में कन्वर्ट करके टैली में इंपोर्ट कर देगा। हम यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, हम किस ईयर में काम करना चाहते हैं, और हम सेल्स सेलेक्ट कर लिए क्योंकि हमें सेल्स में काम करना है। अब हमें ये डेट को उस हिसाब से इसको हम फिल्टर कर लेंगे डाटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम डेली मेट में, और वहाँ पे आप डॉट लगाइए जिससे आपको सेपरेट करना है और फिनिश कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका डेट और मंथ जो है वो सेपरेट हो गया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके हम इसको इसमें सॉफ्टवेयर में इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपका डेट जो है आ गया 1/7/17। दोस्तों हमें ये रेफरेंस नंबर अभी हम नहीं डाल रहे हैं, आपको ज़रूरत है तो आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको टैली में वाउचर में इसको इनेबल करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़, हम अब जिसको सेल कर रहे हैं जो हमारे संडी डेप्टर्स हैं हम उसको डालेंगे। उसके पहले आप चेक कर लीजिए कि हमारे कितने डेप्टर्स बने हुए हैं और उसमें जीएसटी इनेबल है कि नहीं है। आप यहाँ पर स्टेट जरूर डालें, स्टेट डालने के बाद में आप यहाँ पर जीएसटी डिटेल में यस करके आप देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप जीएसटी नंबर उसका डाल दीजिए। अब उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो हमारे पार्टिकुलर हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 2000 एंट्रीज है जिसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करके इसको ले जाएंगे टैली में। हम उसको पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा डेबिट हो जाएगा, डेप्टर से हमारा डेबिट हो रहेगा। हम पूरी जगह में डेबिट कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उसका अमाउंट हम उठा लेते हैं यहाँ से जो हमारे पास एक्सेल सीट है वहाँ से। ये आप देख लीजिए, ये टोटल अमाउंट है 11,50,00,000। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हमें सेल अकाउंट लेके जाना है जिसको हमें क्रेडिट करना है। सेल अकाउंट भी आप सेम वैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए कि सेल अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस है और अप्लीकेबल है, और यहाँ पे आप जीएसटी डिटेल गुड्स में डाल दीजिए। अब हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे सीधा सीधा और इसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमारा सेल अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। हम इसको भी यहाँ पे पूरा क्रेडिट पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा क्रेडिट में अमाउंट कितना है आप वो देख लीजिए। उसके पहले यदि आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट जो भी है आपका जो बेसिक वैल्यू है सेल की वो आपने पेस्ट कर लिया है। अब हम जीएसटी भी इसी तरीके से यहाँ पे एक लेजर और हम जीएसटी पेस्ट करेंगे और जीएसटी को भी हम क्रेडिट कर देंगे। हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, जीएसटी को क्रेडिट कर लिया और जीएसटी का अमाउंट हम डाल देते हैं। यहाँ पे 9% जीएसटी और आपका जो भी है जितना परसेंट जीएसटी है आप उसके हिसाब से आप जीएसटी अपना निकाल के कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे सीजीएसटी पेस्ट कर दिया, हम अपने ही स्टेट में सेल करेंगे। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और सेम हमने वैसे ही एसजीएसटी भी पेस्ट कर दिया और इसको भी हम क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पे हम इफेक्ट में क्रेडिट डालेंगे और इसको पेस्ट करेंगे कॉपी करके। अब उसके बाद हम एसजीएसटी का भी अमाउंट डाल देंगे। आप यहाँ से एक्सेल शीट से आप उठा लीजिए एसजीएसटी का भी अमाउंट। आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। यदि आपका 18% आईजीएसटी है टोटल तो उसमें 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है।
हमने अमाउंट यहाँ पेस्ट कर लिया। अब बाकी अगर आपको जैसे बिल में फ्रेट चार्जेज वगैरह भी जोड़ने हैं तो आप यहाँ पे फ्रेट चार्जेज भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो टोटल अमाउंट है जो आपने सन्डी डेप्टर्स के साथ में डाला हुआ है वो मैच करना चाहिए। अभी हम फिलहाल फ्रेट चार्जेज नहीं डाल रहे हैं और हम सीधा नरेशन जाके नरेशन भी हम पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि CGST, SGST और सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए आपके सन्डी डेप्टर्स वाले अमाउंट से। अब हम यहाँ पे अपना स्टॉक भी देख लेते हैं। स्टॉक में आपका GST एप्लीकेबल है कि नहीं है, उसमें कितना परसेंटेज लगा हुआ है GST आप देख लीजिए। अगर नहीं है तो आप उसको डाल दीजिए, GST स्टॉक आइटम में जाके आप इनेबल करके वहाँ GST डाल दीजिए। अब हम यहाँ पे स्टॉक आइटम आप देख रहे हैं, स्टॉक आइटम में हम लोग आ गए हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए स्टॉक आइटम की, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है, हम क्वांटिटी कितना कितना है वो देख लेते हैं। जैसे एक एक करके हम डाल देते हैं, एक में यहाँ पे दो डाल देते हैं। अब यहाँ पे है आपका रेट, रेट आप कौन सा रखना चाहते हैं, कितना रेट है आपका। जैसे आप का सेल्स अकाउंट में 49,000 लिखा हुआ है वहाँ पे, जो हमने अभी सेल्स अकाउंट जो डाला था 49,200, तो एक क्वांटिटी है तो मतलब एक क्वांटिटी का उतना ही रेट रहेगा। और रेट डालने के बाद हम यूनिट, अगर आपको डालना है यूनिट भी आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कोई कि आपको डालना ही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे रेट डाल देते हैं जो हमारा सेल्स अकाउंट में है। जैसे एक क्वांटिटी है तो हम 49,200 यहाँ पे ले लेते हैं और उसको सेम। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है तो यानी कि 3600 की दो क्वांटिटी तो एक का 1800 हुआ। यहाँ पे अगर आपको यूनिट लिखना है तो आप यूनिट लिख दीजिए जो आपका टैली में जिस यूनिट में है, केजी में है या नंबर्स में है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए स्पेयर पार्ट्स में। आप यहाँ पे नंबर्स में आपने यूनिट डाला हुआ है इसलिए हम यहाँ पे नंबर्स में सेम वैसे ही लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप नहीं भी निकालेंगे टोटल अमाउंट तो ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर में वो अमाउंट कैलकुलेट करेगा। अगर आप निकालना चाहते हैं निकाल के उसको बस वहाँ पे कॉपी पेस्ट बस करना है। अब बाकी भी हमारे सेम पार्ट्स हैं सारे लेजर्स में, तो इसलिए हम सेम ही सबको कर लेते हैं। अगर आपको अलग अलग आपके पार्ट्स हैं, अलग अलग रेट हैं, तो आप उसको अलग अलग तरीके से डालेंगे। तो हम यहाँ पे सेम वही कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम वापस जाएंगे SC वाउचर एंट्री में और यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट में डबल क्लिक करेंगे। सेल्स अकाउंट में आपको डबल क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधे स्टॉक में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि I3 करके उसका लिखा हुआ है, तो आप को यहाँ पे अब अपना जो भी आइटम है पहला या पूरा सिलेक्ट करके आप आइटम का नाम पूरा पेस्ट कर दीजिए और ये I3 को आप साइड से पकड़ के पूरा खींच दीजिए। वाई नंबर हो आ जाएगा ऑटोमेटिक एकदम नंबर के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे 2000 एंट्री आज करेंगे। आपको एक्सेल शीट में सबसे नीचे में साइड में देखेंगे आप सेल में, तो वहाँ छोटा सा एक बना रहता है, उसको बस पकड़ के आपको खींच देना है। अभी ये हमारे I3 से लेके I2003 तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह सब डालनी है तो आप वैसे ही सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको अगर रेट डालना है तो आप रेट भी डाल सकते हैं, रेट अगर नहीं भी डालना है तो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अमाउंट डाल के एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे रेट डाल लेते हैं। यूनिट भी अगर आपको डालना है, जैसे किसी का केजी में है यूनिट, किसी का नंबर्स में है, तो आप उस हिसाब से आपका जैसा स्टॉक आइटम में टैली में डाला हुआ है आप उस हिसाब से यूनिट भी आप डाल लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए अगर आपके पास एक्सेल में पहले से डाटा है तो। अब देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं, अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है।
आप एरो की से भी इससे नीचे आते जाएंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक वहां पे लेते जाएगा। उसके अलावा आप इसको कॉपी पेस्ट भी वहां से कर सकते हैं, इसके एक्सेल शीट से आप कॉपी भी करके वहां पे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम ऐसे ही इसको एरो की से आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं, फिर आपको मैं पेस्ट करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों यह सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है, आप में से कोई भी जिसको टैली या एक्सेल के बारे में जानकारी नहीं है, आपको बस कॉपी पेस्ट मालूम है, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब टैली में अगर आपको पेस्ट करना है तो आल्ट कंट्रोल वी, एक्सेल में अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, और वैसे ही अगर कॉपी करना है तो एक्सेल के लिए कंट्रोल सी और टैली के लिए आल्ट कंट्रोल सी। तो इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से आगे बढ़ते जा रहा है, अमाउंट ऑटोमेटिक लेते जा रहा है। अभी मैं आपको पेस्ट करके भी दिखाऊंगा, हम 500 के आसपास तक हम ऐसे खींच लेते हैं, फिर हम इसी अमाउंट को उठा के आगे भी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो आइटम्स हैं वो लगभग लगभग सेम ही हैं। चार तरह के आइटम हैं जो सारे लेजर्स के लिए सेम हैं। यदि आपको अलग अलग आइटम लेने हैं तो आप अलग अलग आइटम ले सकते हैं, वो आपके आइटम जो हैं वो टैली में होने चाहिए। टैली में अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आपको GST इनेबल करना है और उसका परसेंटेज डालना है कि उसमें कितना परसेंट GST आपको लगना है। अब ऐसे में क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप चाहें तो डायरेक्ट आपके पास एक्सेल शीट में अमाउंट है, आप वहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर सकते हैं। इस यूटिलिटी से आप GST के अलावा भी पुराने एंट्रीज भी कर सकते हैं, जो आपके बचे हुए एंट्रीज होंगे। अभी जैसे आगे ऑडिट वगैरह कराना है, बैलेंस शीट बनाना है, एंट्रीज कंप्लीट नहीं हुई है, तो इससे आप वो सारी एंट्रीज कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अब हम इसको सेलेक्ट करके वापस वैसे ही हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया, फिर बाकी बची हुई जगह में भी हम पेस्ट कर लेंगे। ये हमने 1500 एंट्रीज तक यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है, हम यहाँ से भी इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब बाकी जो इधर जो अलग से दिख रहा है हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपका स्टॉक आइटम्स यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम वापस जाएंगे SC वाउचर एंट्री में, जहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जनरेट करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर बटन में जनरेट दिख रहा होगा, ऐसा मेनू आएगा आपके पास, आप इसको इंटर करके रखिए, ये थोड़ी देर में आपका XML जनरेट हो जाएगा। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को जहाँ पे आपका टैली है आप वहाँ पे रखेंगे तो आपको इंटर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार इंटर में आपका पूरा का पूरा डाटा XML में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे लेजर वगैरह भी सब एक्सपोर्ट कर रखे हैं। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि और भी फास्ट तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसे इसको इंटर इंटर करके एक एक एंट्री को XML में कन्वर्ट करते जाते हैं। दोस्तों मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। कंप्यूटर अगर थोड़ा फास्ट रहेगा तो ये मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगेगा 2000 एंट्रीज को XML में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों अगर किसी को यह सर्विस चाहिए कि मान लीजिए आप के पास ज़्यादा डाटा है, आप उसको टैली में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सेल से,
या और किसी सॉफ्टवेयर में आपका डाटा पड़ा हुआ है तो हम उसको एक्सेल में लेके टैली में डाल देंगे। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कंप्यूटर पे ऑनलाइन आ जाऊंगा, टीम व्यूअर से या माई डेस्क के थ्रू आपके कंप्यूटर पे आके मैं अपलोड कर दूंगा डाटा को। उसके पहले आपको मुझे डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, या आप नहीं भी कर सकते या कहीं सॉफ्टवेयर पड़ा है तो मैं वहां से उसको निकाल सकता हूं और आपका डाटा टैली में मैं कन्वर्ट करके डाल दूंगा। तो ये देखिए हमारा ये डाटा जो है ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ देख लेते हैं जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर है वहीं पे आपका सेल्स करके एक एक्सएमएल फाइल है क्रिएट हो चुकी है। हम इसको एक्सएमएल फाइल को खोल लेते हैं, आप किसी में किसी के थ्रू खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा डाटा एक्सएमएल में जो कन्वर्ट हुआ है इस तरीके से आ जाता है और यही डाटा हमारा टैली में जाके सेव होगा। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं। मुझे पथ कॉपी करना है इसका, एक्सएमएल सीट का पथ कॉपी करके मुझे टैली में जाना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हैंग हो रहा है कंप्यूटर, थोड़ा मेरा स्लो है। तो अभी ये देखिए हमारा डाटा आ गया है, हम इसका पथ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके या राइट क्लिक करके कॉपी कर लिए। अब हम टैली में आ जाएंगे, हम यहाँ पे आपको दिख रहा है यूटिलिटी के नीचे इम्पोर्ट ऑफ डाटा, आप इम्पोर्ट ऑफ डाटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको वाउचर्स दिख रहा होगा। वाउचर्स में आप जाके यहाँ पे आल्ट कंट्रोल वी करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपकी एक्सएमएल फाइल पेस्ट हो चुकी है। मैं नीचे यहाँ पे नरेशन लिख दे रहा हूँ, आल्ट कंट्रोल वी आपको प्रेस करना है। टैली में कहीं भी कुछ भी पेस्ट करना है तो आप आल्ट कंट्रोल वी का यूज कर सकते हैं। हम इंटर करेंगे, अब हमारा डाटा जो है वो टैली में आना चालू हो गया है। टैली में हमारा डाटा इंपोर्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट डाटा और पथ दिया हुआ है जो हमने पेस्ट किया था। और यह डाटा अभी कुछ ही सेकेंडों में टैली में अपलोड हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसको आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं टीम व्यूअर या एनी डेस्क या इसी तरीके से एमी एडमिन वगैरह के थ्रू मैं आपके कंप्यूटर पे ये डाटा को अपलोड कर सकता हूँ। ये हमारा डाटा अपलोड हो चुका है, इंपोर्ट हो गया है टैली में। आइए हम देख लेते हैं, ये देखिए हमारा सेल्स की एंट्री जो है ये आ गई है सारी, 9,40,50,000 रुपए की सेल्स अकाउंट में हमारे एंट्री पड़ी हुई है। टू थाउजेंड एंट्रीज है। ये मेरा कंप्यूटर जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए ये हमारी एंट्रीज जो है सारी की सारी आ गई हैं। आप इसमें देख सकते हैं आपका आइटम, अगर आप यहाँ पे एज इनवाइस करेंगे तो आप ऐसा भी एज इनवाइस करके देख सकते हैं। दोस्तों यह सेटिंग आपको, अगर आप एज इनवाइस की सेटिंग अपने कंप्यूटर में पहले से रखेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा। एज वाउचर अगर रखेंगे सेटिंग तो एज वाउचर की तरह आएगा। अब हम स्पेयर पार्ट्स वाले को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स टू नंबर्स, उसका क्वांटिटी ये सब लिखा हुआ है और CGST SGST भी आपका सेम आ गया है। आप यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह, अगर आपको कुछ ज़रूरत है अगले को बिल बना के देने के लिए, कुछ भेजना है सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिलहाल तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें आपका बैलेंस शीट में जाके हम देख लेते हैं कि उसका लाइबिलिटीज हमारी क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। आप देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारा दिख रहा है, ये देखिए CGST IGST, ये CGST SGST
ये हमारा आ चुका है। अगर आपको इसमें GSTR1 में चेक करना है तो आप डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पे स्टेचुरी रिपोर्ट्स है, आप स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाइए, यहाँ पे GST पे आप जाएंगे, यहाँ GSTR1 में आपका सेल्स दिखता है, GSTR2 में आपका परचेज दिखता है, तो हमने सेल्स की एंट्री की इसलिए हम GSTR1 में जाएंगे। दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। आप लोग यहाँ पे GSTR1 में जाके रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके सारे जो भी एंट्रीज हैं, यदि आपने लेजर वगैरह सब सही बनाए थे, इसमें GST इनेबल्ड है, तो आपके सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पे दिखेंगे, आपकी कितनी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, कितना क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। आप यहीं से चलान रिकन्सलेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। पार्टियों का GST नंबर अगर डालना है तो आप यहीं से GST नंबर पार्टीज का डाल सकते हैं। रेट वगैरह आप यहीं से आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में अपना निर्णय जरूर।